हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ विनोद। आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप नए हो तो यूट्यूब को कर लीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बताने वाला हूँ आज आरओ से संबंधित। दोस्तों, आपने आरओ के एक एडवांस में फिल्टर देखा होगा, जिसको एडिशनल फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है, प्री फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो फिल्टर है बहुत ही काम का है। ये जो है मिट्टी रोकने के लिए काम आता है। कोई डस्ट होती है उसको वहीं रोक लेता है, ताकि अपने आरओ के अंदर जो फिल्टर्स हैं वो सुरक्षित रहें। तो इसके लिए मैं आपको अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के फिल्टर बताता हूँ, जो उस बाउल सेट के अंदर, प्री फिल्टर के अंदर जो डलते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आपके पास में ये प्री फिल्टर मिल जाएगा। ये है जो नेक्सस कंपनी का है, नेक्सस सीरीज। अच्छा फिल्टर है, बहुत ही अच्छा है, हार्ड है, बहुत अच्छा वेट है इसका। इसके बाद में दोस्तों ये फिल्टर आता है, ये भी अच्छा है, पेंटियर कंपनी का है, बहुत शानदार है ये भी। दोनों को मैं अच्छा मानता हूँ, ठीक है। इनके बाद में दोस्तों एक आता है एक्वा के नाम से, ये फिल्टर है जो कि इनसे थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का है। इसके बाद में दोस्तों एक आता है कैम्फ्लो के नाम से, ये फिल्टर भी है जो कि और भी नॉर्मल क्वालिटी का है। इससे भी आपको सस्ती क्वालिटी के और बहुत मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन अभी जो मेरे पास में वैरायटीज हैं ये हैं, प्लस आपको ऐसे भी मिल जाएंगे स्पन वाले में, और भी हैं दोस्तों, लेकिन आप समझ लीजिए इनके बारे में। कस्टमर के अपन जाते हैं, कई बार टेक्नीशियन लोग कस्टमर के पास जाता है तो वो ये कंफ्यूज कर देते हैं कि सर, हमने तो आपसे अभी एक महीने पहले चेंज करवाया था, या दो महीने या तीन महीने पहले चेंज करवाया था, इतना जल्दी कैसे ख़राब हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ख़राब होने का एक रीज़न है, यदि ये फिल्टर आपके आरओ में जितना जल्दी ख़राब हो रहे हैं, मान के चलो कि वो उतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कन्फ्यूज में, तो ये कि आपके जो फिल्टर हैं वो जल्दी ख़राब हो रहे हैं। आपके और फिल्टर है जो दो या तीन महीने चलते थे, ये फिल्टर है जो एक या डेढ़ महीने चल रहे हैं। इसका एक रीज़न है दोस्तों, यदि वो मिट्टी पूरी तरह से रोकेगा, यदि ये फिल्टर है ये मिट्टी को पूरी तरह से रोकेगा, तो मान के चलो कि अच्छे से काम कर रहा है, और पूरी तरह से मिट्टी रोकेगा तो श्योर है कि इसे मिट्टी की लेयर जल्दी बनेगी, ये जल्दी ही ख़राब होएगा। यदि आपका फिल्टर लूज रह गया कोई कारण से, बैठा नहीं उसमें, तो ये क्या है कि पूरी तरह से मिट्टी रोक नहीं पाएगा, जो कि आरओ के अंदर डस्ट जाने लग जाएगी और मिट्टी इस पर कम चिपकेगी। यदि ये जितनी अच्छी तरह से चिपक रहा है, जितना जल्दी ख़राब हो रहा है, तो मान के चलो कि ये अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा, और फिल्टर के बारे में समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आई थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू।